कारण भावात कार्य भाव, इसका अर्थ लिखें। तो इसका अर्थ यह है कारण भावात कार्य भाव, भाव का अर्थ होता है होना, भू सत्तायाम धातु है, भू धातु से भाव शब्द बनता है और भाव का अर्थ हो गया होना। अब इसका नञ तत्पुरुष समास करेंगे, अ लगा देंगे तो अभाव हो जाएगा, अभाव का अर्थ क्या होगा, नहीं होना, न होना, ठीक है ना। तो भाव का अर्थ होना, अभाव का अर्थ न होना। तो सूत्र है कारण भावात कार्य भाव, कारण के होने पर या होने से कार्य भाव कार्य होता है, कारण के होने से कार्य होता है, इसको उलट दो, कारण के न होने से कार्य नहीं होता है। आटा होगा तो रोटी बनेगी, आटा नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक, कारण के होने से कार्य होता है, आटे के होने से रोटी बनती है, धागे के होने से कपड़ा बनता है, ईंट पत्थर के होने से मकान बनता है, बादल के होने से वर्षा होती है, ये इसका अर्थ है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि बादल हैं और वर्षा नहीं हुई, तो इसका अर्थ ये नहीं कि बादल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरा सिद्धांत है कि कार्य यदि न हो, बोलिए, तो इसका अर्थ ये नहीं समझना के कारण भी नहीं है। हाँ, ये वन वे ट्रैफिक है, ये वन वे, टू वे नहीं है। वन वे ये है कि कारण होगा तो कार्य होगा, कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। पर कार्य ना हो तो ये अर्थ नहीं है कि कारण भी नहीं है, कारण तो हो सकता है, कार्य फिर भी ना हो। अब बादल तो खड़े हैं आकाश में, वर्षा नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि बादल भी नहीं है, बादल तो हैं, फिर वर्षा क्यों नहीं हो रही, कोई बीच में कारण है, कोई बाधक कारण है जिसकी वजह से वर्षा नहीं हो पा रही। या तो बादल कम है, हल्के हैं, अभी भारी नहीं हुए, घने नहीं हुए हैं, और या फिर हवा ने उसको रोक रखा है, बादलों को गिरने नहीं दे रही हवा, कोई ना कोई कारण ज़रूर है। इसलिए कार्य यदि ना हो तो कोई समस्या नहीं है, कारण तो फिर भी रह सकता है। पर यह बात पक्की है यदि कारण नहीं है फिर कार्य नहीं हो सकता, बादल नहीं है तो वर्षा नहीं हो सकती, धागा नहीं है तो कपड़ा नहीं बनने वाला,